जय श्री राम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को नमन करते हुए, और ये फागुन का महीना है, शिवरात्रि आने वाली है, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए आप सभी को सनातन ज्ञान की गंगा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये फागुन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, और इसलिए मैं भगवान भोलेनाथ की एक लाइन की स्तुति करूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम उमापते महादेव नमः। ओम भोलेनाथ नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ को नमन करके आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने ग्रह पढ़ लिए हैं, नक्षत्र पढ़ लिए हैं, राशियां पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद से असली ज्योतिष प्रारंभ होता है, और ज्योतिष का जो कहानी शुरू होती है वो इस भाव से होती है। ये जो हाउस आप देख रहे हैं, इंग्लिश में इसे बाय डिफॉल्ट हाउस कहा जाता है, इट इज नॉट हाउस। इन हिंदी ऑल्सो इट इज भाव, एंड इन इंग्लिश ऑल्सो इट इज भाव। सो ये भाव है, और ये भाव है, और इस भाव में 12 भाव, इसमें ये जो कॉलम है इसमें 12 भाव है। इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, एकादश, द्वादश, ये 12 भाव फिक्स है। कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, और कुछ लोग कलरफुल ऐसा बनाते हैं। सब मतलब एक ही है कि इसमें 12 खाने हैं, 12 हाउस हैं, और इन 12 हाउसों को हम 12 भाव कहते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम भाव समझें, हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सो सबसे पहले हम बहुत ही छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं, और उसके बाद से भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये शेयर मार्केट वाला भाव नहीं है, ये ज्योतिष का भाव है। भाव यहां पर भाव मीन्स हाउस, भाव मीन्स रेट नहीं। एक सनातन धर्मी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सप्ताह के दिन है उन दिनों को हम जाने, और उनसे एसोसिएटेड प्लैनेट्स को हम जाने। हम अपने बच्चों को बताएं कि ये जो दिन के नाम रखे गए हैं इनके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है। रिवीजन कर लेते हैं। रविवार, संडे को रविवार कहते हैं, और रवि मतलब सूर्य होता है, रविवार मींस सूर्य का दिन होता है। सोमवार, मंडे को सोमवार कहते हैं, और सोम जो होता है चंद्रमा का दिन होता है, और सोम जो होता है वो सोमदेव जो होते हैं चंद्रमा को भी होता है, और सोमवार को भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। बोथ आर एसोसिएटेड विद मंडे। ट्यूजडे को मंगलवार कहते हैं, और इससे मंगल ग्रह एसोसिएटेड है। वेडनेसडे को बुधवार कहते हैं, और इससे बुध ग्रह एसोसिएटेड है। थर्सडे को बृहस्पतिवार कहते हैं, गुरुवार कहते हैं, और इससे बृहस्पति देव गुरु गुरुदेव एसोसिएटेड है। फ्राइडे को शुक्रवार, और शुक्रवार शुक्रदेव से एसोसिएटेड है। सैटरडे को शनिवार, और शनिवार महाराज शनि से एसोसिएटेड है। तो ये 7 दिन हो गए, और ये 7 वो ग्रह हैं जिनके नाम पर इन दिनों को नामकरण किया गया है। इसके बाद से कुछ महीने समझ लेते हैं। अभी तक तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल समझते रहते हैं। हम 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हमें शायद ये मालूम ही नहीं कि वो कैलेंडर जो है ग्रेगरियन कैलेंडर है।
एक पोप ग्रेगरिनी थे, 1582 ईस्वी में उन्होंने इस कैलेंडर को फॉर्म किया था। पोप ग्रेगरिनी 1582 ईस्वी में ग्रेगरियन कैलेंडर को फॉर्म किए थे, बड़ी साइंटिफिक कैलेंडर फॉर्म किए थे, सब जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लेकिन हम ही लोग भूलते जा रहे हैं कि ईसा से बहुत पहले विक्रम संवत शुरू हो गया था, शक संवत शुरू हुआ बाद में विक्रम संवत शुरू हो गया था। हमारा कैलेंडर उससे भी पुराना है, और हमारा कैलेंडर जनवरी फरवरी से नहीं शुरू होता, हमारा कैलेंडर चैत्र मास से शुरू होता है। हमारा पहला मास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसको संस्कृत में अग्रहण भी कहते हैं, पौष, माघ और फागुन, ये जिस महीने में हम लोग भी हैं इसको फागुन कहते हैं। हमारे जो ये कैलेंडर है हिंदी कैलेंडर, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चैत्र में ये चैत्र के एकम को सबसे बड़ा त्यौहार होली से इसको इसकी शुरुआत होती है। हमारा जो कैलेंडर हिंदू कैलेंडर है होली के दिन से प्रारंभ होता है और समाप्त कब होता है, फागुन में, फागुन के पूर्णिमा के दिन होलिका दहन से। हमारा कैलेंडर होली से प्रारंभ होता है और होलिका दहन पर समाप्त हो जाता है। चैत्र से शुरू होता है, चैत्र पहला महीना है और फागुन 12वां महीना है। फागुन 12वें महीने की विशेषता हम बाद में समझेंगे, इसके बाद का हम देखते हैं। ये जो ऋतुएं जो होती हैं, इंग्लिश में हम लोग समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन तीन नाम दे देते हैं। हमारे पास जो ऋतुएं हैं वो 6 प्रकार की ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं, और हमारे कैलेंडर के अनुसार उनको वसंत ऋतु कहते हैं जो चैत्र वैशाख में चलता है, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं जिसको ज्येष्ठ आषाढ़ में चलता है, वर्षा ऋतु कहते हैं श्रावण और भादों में चलता है, शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक मास में होता है, हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष मास में होता है, शिशिर ऋतु माघ और फागुन में, जो अभी चल रहा है अभी शिशिर ऋतु है, शिशिर ऋतु के बाद से वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगा। और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेगरियन कैलेंडर के इंग्लिश मंथ भी यहाँ पर दिए हैं, आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। इसके बाद से कुछ दिशाएं होती हैं, नॉर्मली हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 दिशाओं के नाम से जानते हैं, परंतु जब हम ज्योतिष पढ़ेंगे तो सिर्फ इस इतने दिशाओं से हमारा काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी कुछ दिशा की जरूरत पड़ सकती है और उनका नोमेनक्लेचर हमें जानना ही चाहिए। उत्तर के बाद उत्तर पूर्व का जो कोण है इसको ईशान कोण कहते हैं, पूर्व और पूर्व के बाद दक्षिण पूर्व का जो कोण है उसको अग्नि कोण कहते हैं, तत्पश्चात दक्षिण और दक्षिण के बाद दक्षिण पश्चिम जो कोण है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं, पश्चिम और पश्चिम के बाद जो उत्तर पश्चिम का जो कोण है उसको वायव्य कोण कहते हैं। विभिन्न तरीके से दिखाया जाता है, कहीं कहीं पर ऐसे भी दिखाते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसे भी दिखाते हैं। इसके बाद से हमारे पास तिथियां होती हैं, और तिथियों का जो है यहाँ पर दिया हुआ है ये प्रतिपदा को एकम भी बोलते हैं, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सप्तमी यहाँ पर नीचे है, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, प्रतिपाविंस, फर्स्ट। तो यहाँ से क्या होता है, ये शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है और कृष्ण पक्ष का अमावस्या को समाप्त होता है। अमावस्या को हम 30 या 31 लिखते हैं, कहने का मतलब कि हमारा वास्तव में हमारा जो महीना है वो शुक्ल पक्ष से ही शुरू होता है, भले पंचांग में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दिया हो, लेकिन हमारा जो महीना हो शुक्ल पक्ष से गिनती करके और कृष्ण पक्ष में समाप्त उसको माना जाता है। 15-15 दिनों की ये तिथियां बांटी हुई हैं। इसके बाद से हम ग्रहों के कलर पढ़ लेते हैं, सूर्य जो है इनको रेड पढ़ते हैं, चंद्र जो है इनका व्हाइट कलर होता है, पूजा मीन्स मार्स मंगल का रेड कलर होता है, बुध का ग्रीन कलर होता है, गुरु का येलो कलर होता है, शुक्र का व्हाइट कलर होता है, शनि का ब्लू होता है, डार्क ब्लू होता है, राहु का स्मोकी ब्लैक होता है, केतु का भी स्मोकी ब्लैक होता है। ये उस समय जरूरत पड़ती है जब हम उस ग्रह को मनाने की कोशिश करते हैं, उस ग्रह के अनुसार हम व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय इस कलर कोड की आवश्यकता पड़ती है। ये जाना पहचाना आपको इमेज दिखाई पड़ेगा, आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो रत्न धारण करते हैं,
जो स्टोन धारण करते हैं, जो रिंग्स को धारण करते हैं, और कौन से स्टोन किस उंगली में पहनना चाहिए, कौन से मेटल किस उंगली में पहनना चाहिए, कौन सा स्टोन किस ग्रह के लिए है, कौन सा मेटल किस ग्रह के लिए है, ये इसमें देखा जा सकता है। और इसका पूर्ण विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि कौन सा जेम है, किस दिन पहनना चाहिए, कितने समय में पहनना चाहिए, किस फिंगर में पहनना चाहिए, किस मेटल के साथ पहनना चाहिए। फिर से एक बार बताते हैं, ये राशियां हैं और उसके साथ ये प्लैनेट्स हैं और इनसे एसोसिएटेड ये स्टोन है, ये किस दिन पहनना चाहिए, किस टाइम में पहनना चाहिए, किस उंगली में पहनना चाहिए और किस मेटल के साथ पहनना चाहिए। सारे जेम गोल्ड में नहीं पहन सकते, ये गोल्ड में दूसरा कुछ पहनेंगे और ये सिल्वर में दूसरा कुछ पहनेंगे, सबका अलग रिक्वायरमेंट है, सब एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए उचित के अनुसार ही डालना है। कुछ यहाँ पर आपके लिए अलर्ट है, ये वार्निंग है। ये वार्निंग इसलिए है क्योंकि अगर आप सामर्थ्यवान हैं और किसी ने आपको बता दिया और सारे उंगलियों में सब कुछ आपने पहन लिया, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि अगर आप सूर्य का माणिक्य पहनते हैं, उस माणिक्य की आयु सिर्फ 4 साल ही है, 4 साल के बाद उसका चार्ज फिनिश, टेक इट आउट। और इसके साथ चेतावनी भी है कि जब आप माणिक्य पहने तो उसके साथ में हीरा, नीलम, गोमेद नहीं पहनना चाहिए। इसी तरीके से सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, ये सब का अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है कि किसको पहनना चाहिए, कितनी इसकी आयु होती है और इसके साथ वर्जित कौन से रत्न है, उसका ख्याल हमें रखना ही पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो बनने के वक्त बदले बिगड़ने लगता है। ये राशियों के नाम है, आप पहले देख चुके हैं, जस्ट एक व्यू के लिए है ये। उसके बाद से आप सबको चीर परिचित जो मैं आज के लेसन में बताना चाहता हूं वो ये है, मूल नक्षत्र। आए दिन लोगों को समस्या हो ही रहती है कि अमुक बालक मूल नक्षत्र में पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है क्या, और पंडित जी लोग उसकी गणना में लगे रहते हैं। कहीं कुछ जगह के पंडित जी बोल देंगे हाँ मूल नक्षत्र में पड़ा हुआ है, बाद में चेक किया जाता है, हम बोल देते नहीं साहब नहीं पड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं गांव के पंडित जी ने तो बताया है, और मैं उनको कैसे समझाऊं कि जो मूल नक्षत्र के लिए फिक्स की गई है, ये 3 नक्षत्र फिक्स हैं, आप ध्यान से देखें, अश्वनी, माघा, मूल, श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये जो रेड कलर में शेड किए हुए हैं, ये 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में से सिर्फ 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें अगर बालक जन्म लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं ये मूल में पड़ा हुआ है, इस 27 में पड़ा हुआ है, इसको 27वें दिन पुनः जब वो नक्षत्र आए तो उस दिन उसका मूल दोष परिहार कर देना चाहिए, पूजा पाठ करा देना चाहिए, मूल शांति का पूजा कर देनी चाहिए, ऐसा हम सलाह देते हैं। ये सलाह सिर्फ उनके लिए है जो ये 6 नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हैं, इसके अलावा ये दूसरे तीसरे नक्षत्र के लिए नहीं है। जब आप पंचांग देखते हैं कि अमुक समय में बालक उत्पन्न हुए हैं तो पंचांग में समझ में आ जाता है कि उसमें कौन सा नक्षत्र चल रहा है। अगर उस समय पंचांग में इन 6 में से कोई एक नक्षत्र है तो बालक 27 में पड़ गया। अब 27 का क्या है, कभी कभी लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, स्पेशली मैं ये एयरफोर्स एसोसिएशन एयरफोर्स कॉलोनीज में मैंने देखा है कि न्यूक्लियर फैमिली है, पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, हॉस्पिटल में गए, डिलीवरी हुआ, उसके बाद से घर में आए, अकेले पत्नी देख नहीं सकती बच्चे को और साथ में पिताश्री को तो देखना ही पड़ेगा, ये उनका प्रॉब्लम है, उससे वो बहुत दूर भाग नहीं सकते। अच्छी बात है, आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप मैनेज कीजिए। हम ज्योतिष के अनुसार क्या होता है आपको बता देते हैं। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर बालक पैदा होता है तो पिता को कष्ट होता है। ये कष्ट कई प्रकार के होते हैं। द्वितीय चरण में अगर जन्म लेता है तो माता को कष्ट होता है, ये भी कष्ट कई प्रकार के होते हैं। तृतीय चरण में अगर बालक जन्म लेता है तो धन हानि होती है, बहुत लोग समझते हैं इस बात को, जिन्होंने हल्के में लिया और बालक के 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद से जो उनका इनकम है, इनकम का फॉल डाउन होने लगा, उन्होंने चेक नहीं किया। और चतुर्थ चरण में अगर होता है तो धन लाभ होता है, बट ये क्या है, ये एक नक्षत्र के बारे में बता रहा है, 6 नक्षत्र का ऐसे फॉर्मेशन अलग अलग होता है। श्लेषा नक्षत्र में ये रिवर्स ऑर्डर में होता है,
अगर चतुर्थ चरण होता है तो पिता को कष्ट होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तो द्वितीय चरण में पैदा हुए थे। उनके पैदा होने के कुछ ही दिन बाद उनकी माता गुजर गई और कुछ दिन के बाद से उनके पिता भी गुजर गए। तुलसीदास जी की देखभाल उनकी मौसी ने किया था, तुलसी देवी ने किया था, और उन्होंने ही तुलसी का अपना नाम जोड़ने के लिए उन्होंने उनका नाम तुलसी रख दिया था। तो ये मूल नक्षत्र ऐसा है कि भगवान के परम भक्त तुलसीदास जी तक को नहीं छोड़ता है, फिर आप और हमारी औकात ही क्या है। अच्छा यही होगा कि अगर अकेले एक या दो तो आजकल बालक होते हैं और उसी में हम प्रायोगिक सत्यापन करने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा साहब, इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं होता है। इसलिए अगर हमारे ज्योतिषियों ने ऐसा कुछ बनाया है तो उसका निराकरण हमें कर ही लेनी चाहिए। क्या जाता है, भगवान का पूजा पाठ तो हम करते ही रहते हैं, थोड़ा सा और इसको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, भगवान का पूजा पाठ कर लेंगे। इसलिए जो भी मूल नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं उनके माता पिता को पंडित जी बताते हैं ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। इतने दिन के 27 दिन के बाद फिर से वो तिथि आएगी और फिर उस तिथि के दिन शांति पूजा किया जाता है। मूल का शांति पूजा करने के बाद से वो कष्ट दूर हो जाता है और वहां से फिर से नॉर्मल लाइफ चलने पड़ती है। कुछ लोगों के मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही होगी कि ये बाकी ये जो छह नक्षत्र हैं इन्हीं के साथ ये मूल नक्षत्र क्यों एसोसिएटेड है, ये जंप करके जो छह नक्षत्र हैं इन्हीं के साथ क्यों ये सब एसोसिएटेड है, बाकी के साथ क्यों नहीं है। जिनको मैथमेटिक्स आती है वो जरूर ध्यान दे। ये जो नक्षत्र हैं और ये नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से राशियां बनती हैं, पहले पढ़ा चुके हैं 27 नक्षत्र हैं और उस 27 नक्षत्र में 12 राशियां बनती है। 12 दूनी 24 होता है और 12 ढाइया 30 होता है। किसी भी कैलकुलेशन में ये बैठता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं 2.1 करते हैं, अर्थात अश्विनी और भरणी ये 2 हो गया और कृतिका का 1 ये 2.1 हो गया। तो इसमें जो 1 है इस 1 का 4 होता है, ये 4 और ये 4 8 और ये 9 मिला करके एक राशि होती है। तो कहने का मतलब कि मेष राशि के लिए इसमें से भी एक लेना पड़ेगा, वृष राशि के लिए इसमें से लेकर के यहां तक एक जंप करना पड़ेगा, मिथुन राशि के लिए यहां से लेकर के और पुनर्वसु में जंप करना पड़ेगा, कर्क राशि के लिए पुनर्वसु से लेकर के श्लेषा तक जंप करना पड़ेगा। फिनिश श्लेषा के पास कर्क राशि फिनिश हो गया, यहां श्लेषा में भीतर में कोई कट नहीं हो रहा है, श्लेषा का ना एक 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 चरण बाहर जा रहा है और ना ही आगे आने वाला जो राशि है वो इसके लिए एक चरण पीछे जा रहा है, यहां पर इसके चरण कंप्लीट हो गए। कर्क के लिए 4, 4, 8 और 1, 9 इसके चरण यहां पर कंप्लीट हो गए, इसमें से किसी चरण का भंग नहीं हुआ है, तो इसलिए यहां पर लग गया। उसके बाद से ये प्रारंभ हो रहा है इसलिए यहां पर लग गया। फिर से यहां पर ध्यान से देंगे ये सब कहीं ना कहीं इंटरवेनिंग है, ये इंटरवेनिंग नक्षत्र हैं जिनमें घुस घुस करके और तब जाकर के इसमें से राशियां बन रही हैं। बाद में आते आते ज्येष्ठा में ये पूर्ण हो गया, फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट न्यू शुरू होता है और यहाँ पर जो मूल नक्षत्र है यहाँ से फ्रेश शुरू हुआ और लास्ट में आकर के फिर से ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद फ्रेश शुरू हुआ। इस तरीके से जहां जहां इंटरवेनिंग नहीं है, जहां जहां नक्षत्रों के और राशियों के बीच में कनेक्टर नहीं है, जहां नक्षत्र और राशियां अलग अलग हो गई वहां पर मूल नक्षत्र लग जाता है, जहां पे कनेक्टर है एक दूसरे के वहां पर मूल राशि, वहां पर मूल दोष नहीं लगता है। भाव मैं पहले स्लाइड में ही आपको भाव बता रहा था, नोट कर लें। ये अस्थाई ये भाव जितने हैं ये अस्थाई भाव है, कभी चेंज नहीं होते, इसमें नंबर नहीं लिखा जाता है, समझाने के लिए नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। अदरवाइज ये ब्लैंक भी रहेंगे तो आप समझ लीजिए ये पहला घर है, ये दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, षष्ठम भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, नवम भाव है, दसम भाव है, ग्यारहवा भाव है, द्वादश भाव है, बारहवा भाव। आज के बाद से अब हम जब भी ज्योतिष के बारे में अध्ययन करेंगे तो इन भावों को हम ध्यान में रख करके ही सारे कैलकुलेशन करेंगे,
ये जो भाव है ये अस्थाई भाव है। इसके बाद की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, तब तक के लिए अंत बोलने से पहले हम ये बोलेंगे कि कुंडली जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि दिशाएं थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। हम आपको बताते चले, जब हम इससे पहले दिशाएं बता रहे थे तो ऊपर में उत्तर दिशा होती थी, कुंडली जब हम पढ़ेंगे तो ऊपर में ये पूर्व दिशा होगी, ये पश्चिम दिशा होगी। इन दिशाओं की जानकारी भी हम अगले चैप्टर में देंगे, जस्ट एक ये झलक है। और इसके बाद से हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे व्यूअर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, व्यूअर्स की तो जैसे बाढ़ आ गई है, लोग मुझे पसंद करने लगेंगे, बहुत ही खुशी की बात है। होता क्या है कि पता नहीं जाने अनजाने में हमारे व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये लाइक दबाना, ये सब्सक्राइब दबाना और कमेंट करना भूल जाते हैं। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है और आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये रेड वाला जो बटन है इसको दबा करके आप सब्सक्राइब कीजिए। ये जब तक रेड है तब तक ये सब्सक्राइब नहीं है, जैसे दब जाएगा अब ये सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद से लाइक करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको अपना ओपिनियन बताना है, अपने व्यू बताने हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी व्यू के इंतजार में अगले पाठ में मिलते हैं, एक नए जोश के साथ, एक नए होश के साथ, एक नए उमंग के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। जय श्री राम।